रहमानी रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी हरी मिर्च, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान है बनाना। और ये मज़ेदार सी हरी मिर्च बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो ये है दोस्तों। ये लिए मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली थी दोस्तों, ये मैंने लिए 250 ग्राम यानी एक पाव मैंने हरी मिर्चें ले लिए। लहसुन लिया है मैंने, देसी लहसुन लिया है, इसका पूरा एक बड़ा मैंने बंच ले लिया था देसी लहसुन का, और उसका मैंने छिलका उतार लिया है। इमली मैंने लिए दोस्तों 50 ग्राम लिए, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, आप भी नहीं डालिएगा। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, आधा कप लिया है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। दही मैंने लिया है आधा कप यानी 100 ग्राम मैंने दही ले लिया है। राई दाना लिया है दोस्तों मैंने एक चाय का चम्मच, साबुत जीरा लिया है एक चाय का चम्मच, और मसालों में जो हमने लिया है मसालों में मैंने हल्दी ली है एक चाय का चम्मच, नमक लिया है आधा खाने का चम्मच, चीनी भर के ले ली थी मैंने एक खाने का चम्मच, सिरका लिया है सफ़ेद सिरका लिया है मैंने दोस्तों एक खाने का चम्मच भर के लिया है, मेथी दाना लिया है मैंने आधी चाय का चम्मच, साबुत धनिया लिया है मैंने एक खाने का चम्मच, सौंफ लिए मैंने एक खाने का चम्मच भर के ले लिए, साबुत जीरा लिया है मैंने एक खाने का चम्मच, और दोस्तों ये है पीली सरसों, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं लीजिएगा। ये मैंने एक चाय का चम्मच लिए, मेरे पास थी इसलिए मैंने ले ली। गोल वाली साबुत लाल मिर्च मैंने ली है तकरीबन 7 से 8 अदद है। कलौंजी मैंने लिए एक चाय का चम्मच। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा हरी मिर्चों का अचार। जितने भी हमने साबुत मसाले लिए हैं, धनिया, सौंफ, जीरा, कलौंजी, साबुत लाल मिर्चें, इसको हम भून लेंगे। इतना भूनना है कि इसमें से हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। इसमें से दोस्तों हल्की सी खुशबू आने स्टार्ट हो गई है। अब इसको हम या तो आप इसको इमाम दस्ते में कूट लीजिएगा या तो ब्लेंडर में इसको पाउडर फॉर्म में पीस लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों मसाले को मैंने ब्लेंडर में पीस लिया है। चलें दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अगर आप सरसों का तेल ले आपके पास सरसों का तेल है तो आप सरसों का तेल लीजिएगा, मेरे पास नहीं था मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसके अंदर हम ज़ीरा और रायदाना डाल देंगे, और जैसे ही इसमें से खुशबू आएगी लहसुन शामिल कर देंगे। दोस्तों कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ मेरी ऐसी ख़राब सी हो रही है, माइंड नहीं कीजिएगा, दुआ करें बस जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, आमीन। ज़ीरा और राई में से खुशबू आने शुरू हो गई है, लहसुन शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन शामिल करने के बाद हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। हरी मिर्च के अंदर दोस्तों मैंने एक कट लगा लिया था कि जब नहीं लगता ना कट तो हरी मिर्चें फटना शुरू हो जाती हैं। ये देखें ऐसे मैंने कट लगाया हरी मिर्चों में, आप भी ज़रूर लगाइएगा। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे दोनों चीज़ों को तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, लहसुन को और हरी मिर्चों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम इमली शामिल कर देंगे जो मैंने 50 ग्राम ली है, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पानी बिल्कुल भी शामिल हमें नहीं करना है। इमली शामिल करने के बाद दोस्तों चीनी शामिल करेंगे एक खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, आप अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा, हल्दी एक चाय का चम्मच, और मसाला जो मैंने आपको बताया था उसको हमने पीस लिया था वो शामिल कर देंगे। तो 1 से 2 मिनट बस मसाले को हमें मिक्स करना है, फिर हम दही शामिल करेंगे। फिर 2 मिनट मैंने मसाले को भून लिया, दही शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही शामिल करने के बाद दही को हम अच्छे से कुक कर लेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए, फिर सबसे आखिर में हम सिरका शामिल करेंगे। ये देखें दोस्तों दही का पानी ड्राई हो चुका है, अब इसके अंदर हम सिरका शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका शामिल करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट हम लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे, फिर मज़ेदार सी अचारी हरी मिर्च हमारी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है दोस्तों, आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। मज़ेदार सी अचारी हरी मिर्च दोस्तों हमारी तैयार हो चुकी है, मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ।
देखिए दोस्तों, मज़ेदार सा हरी मिर्च और लहसुन का अचार हमारा तैयार हो गया है। झटपट तैयार हो जाता है, बहुत ही आसान है बनाना। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ये पराठों के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। बेसन की रोटी, आलू का पराठा, तकरीबन दाल चावल, जिसके साथ भी आप खाना चाहें आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।